नरेंद्र मोदी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बने तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे, ये बात कही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पत्रकार दीपक शर्मा से बात करते हुए परकला प्रभाकर ने कहा कि अगर मोदी जीत जाते हैं 2024 में तो फिर एक और चुनाव की कल्पना आप मत करिएगा। जिस पर पत्रकार ने दोबारा पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि फिर चुनाव नहीं होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ 2024 में अगर ये सरकार दोबारा आती है तो चुनाव फिर नहीं होंगे। आगे उन्होंने कहा कि अगर मोदी जीत गए तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा। वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि केवल विरोधी कह रहे हों, ये बात तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 400 सीट दो और हम संविधान बदल देंगे। ये पहली बार नहीं है जब देश में ये बात छिड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देश के विपक्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसियां जो बिकी नहीं है वो ये बात कहती रही हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, नियम कानूनों को भाजपा सरकार द्वारा ताक पर रखा गया है, उससे ये बात साफ होने लगी है कि संविधान पर खतरा महज कोई हवा हवाई आरोप नहीं है। निष्पक्ष बात कहने वाले पत्रकारों को अक्सर गालियां मिलती हैं। पत्रकार क्या किसी को भी, विरोध में बकवास करने का ठप्पा लगा दिया जाता है। इससे पहले ये ठप्पा हमारे ऊपर लगे कि हम ये बातें हवा में से निकाल के लाए हैं, तो हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देते हैं। लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में दुनिया भर के देशों में हम 104 नंबर पे हैं। जी हाँ, 104। हमें ऑटोक्रेसी या कहें कि निरंकुशतावादी की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में पूर्ण लोकतंत्र की जगह अब कुछ हद तक ही लोकतंत्र बचा हुआ है। भारत को इस समय कुछ देश और उनकी मीडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कह रहे हैं। हिंदी में कहें तो चुनावी एकतंत्र। इसका मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा बताती है कि एक तंत्र ऐसा शासन जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में असीम शक्ति या सत्ता हो। जाना पहचाना सा लग रहा है ना, जहां केवल एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो, वो नहीं तो कौन। एक व्यक्ति जिसके नियंत्रण में सारी एजेंसियां हो, अरे जैसे कि ईडी सीबीआई, वो तंत्र जहां कोई विपक्ष ना हो, जो भी खिलाफ हो जेल में ठूंस दो, जिसका विरोध करना मना हो विरोध करने वालों को जेल भेज दिया जाए, यूएपीए लगा दिया जाए, मीडिया जिसके कंट्रोल में हो, टीवी पर केवल वही दिखे जिसकी कमियों और असफलताओं की खबरें ही ना चले। हाँ हाँ, जिसे आसान भाषा में गोदी मीडिया कहते हैं। ऐसा शासक जिसका धर्म ही राष्ट्रीय धर्म हो, जिसे विविधता ना पसंद हो, एक धर्म राष्ट्र हो। उदाहरण दे देती हूँ, नाजी जर्मनी। आप देखिए, हिटलर पूरी जर्मनी में केवल अपने धर्म और अपनी नस्ल के लोग ही चाहता था। आर्यन रेस, जो आर्य नहीं है उसे मरवा दो, कोई अल्पसंख्यक नहीं चाहिए। ऑटोक्रेसी, जहां जनता की निजता खत्म हो जाए, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है सबकी जानकारी तंत्र के पास रहे। एक तंत्र जहां सुप्रीम लीडर के बारे में झूठी मनोहर कहानियां गढ़ी जाएं कि वो तो बचपन से ही तेजस्वी थे, अरे शेर मार दिया बचपन में चीते से लड़ गए। बात चुनाव के कारण शुरू हुई है तो उदाहरण भी चुनाव का ही दे देते हैं। भारत में लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है वो देखिए। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जिस तरह से देश में मोदी सरकार विपक्ष को तरह तरह के हथकंडों से खत्म कर रही है, उससे किसी भी नागरिक को चिंतित होना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि क्या वन पार्टी नेशन बनाना चाहते हो, अरे भारत है या नॉर्थ कोरिया है। विपक्ष पर बदले की कार्रवाई हो रही है, आम आदमी पार्टी को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की नाक के नीचे दिल्ली की सरकार में बैठी पार्टी भाजपा के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है कि भाजपा उन्हें अपने साथ मिलाने का दबाव बना रही है। देश भर की विपक्षी पार्टियों को कभी ईडी कभी सीबीआई की मदद से तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। जो नहीं डरा नहीं मिला उसे जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए, अरे आचार संहिता के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। इससे पहले आपको याद होगा जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली गई थी। ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश ही तो है। अरे ना रहेगा विपक्ष और ना होंगे चुनाव। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये चुनाव करवाना ही क्यों है, आखिर लॉजिक क्या है। विपक्ष को खत्म कर ही दिया है, जहां हार की संभावना है वहां तो कैमरे के सामने ही चुनाव के नतीजे खुद ही बदल दे रहे हैं। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव तो आपको याद ही होगा। जब खुद से ही चुनाव के नतीजे बनाने हैं तो क्या जरूरत है जनता की और क्या जरूरत है चुनाव की।
अपने इंटरव्यू में आगे परकला प्रभाकर ने एक और बात कही, जिसके लिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कभी सच ना हो। उन्होंने कहा कि जो भी विरोध में है उसे पाकिस्तान भेज दो, जैसी जो बातें होती हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। हमें जल्दी ही ऐसी ही बातें लाल किले से भी सुनाई देंगी, यानी कि लाल किले पर प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। हालांकि अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। अरे जब संसद में एक मुसलमान सांसद को भड़वा और कटुआ बोल दिया गया और बोलने वाले पर आंच तक नहीं आई, तो लाल किले से बोलने में क्या ही गुरेज है। चुनाव जीतने के लिए जो करना हो करना ही पड़ता है कि नहीं। देश के अल्पसंख्यकों को गोली मारने की बात अब तो मंत्री तक कर चुके हैं और कर रहे हैं, फिर अगर किसी दिन प्रधानमंत्री भी कर देते हैं तो आश्चर्य कैसा है। पिछले कुछ सालों में देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर आतंकवादी का तमगा लगा दिया गया, उनकी मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ गए, हेट स्पीच बढ़ गई, मुसलमानों के खिलाफ अपराध करने वाले, घटिया बयान देने वाले लोग हीरो बन गए। खैर भाजपा और मोदी राज में तो ऐसा होना ही था, भाजपा बनी ही सांप्रदायिक राजनीति के दम पर थी। बाबरी मस्जिद गिराकर भाजपा ने अपना आधार रखा और प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बढ़ा 2002 के गुजरात दंगों के बाद। ऐसे में कट्टर हिंदुत्व का चेहरा तो भाजपा मोदी को ही बनना था। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए सबसे पहला प्रहार बोलने के अधिकार पर होता है, लोगों के भी, और जहां तक बात है मीडिया की। मीडिया या प्रेस जब तक आजाद है जनता को काबू करना संभव नहीं है, इसलिए मीडिया पर कब्जा करना किसी भी देश की बौद्धिकता पर कब्जा कर लेने जैसा है। भारत में मीडिया किस तरह से सरकारी हो गई है, इस पर जाने माने विचारक प्रताप भानु मेहता एक किस्सा सुनाते हैं, प्यारी सी कहानी सुनाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कहानी सुन के आपके मन में किसकी छवि उभरी। प्रताप भानु मेहता कहते हैं, नेपोलियन तृतीय था जो सोचता था कि उसे किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी जनता का प्रतिनिधि तो वो खुद ही है। वो कह रहा है कि मेरी स्कीम के मुताबिक प्रेस को न्यूट्रल प्रेस के जरिए ही बनाया जा सकता है। पत्रकारिता में काफी ताकत होती है, इसलिए क्या आप जानते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को खुद ही पत्रकारिता करनी चाहिए। विष्णु की तरह मेरे प्रेस के भी 100 हाथ होने चाहिए। इन हाथों के जरिए अलग अलग तरह के विचार होने चाहिए। जो अपनी तरह बोलना चाहते हों उन्हें मेरी तरह बोलना चाहिए, जो अपनी तरह चलना चाहते हों उन्हें मेरी तरह चलना चाहिए, उनके अपने विचार मेरे विचार से प्रभावित होने चाहिए। मैं सभी आंतरिक और बाहरी नीति पर सलाह दूंगा, मैं लोगों को जगाऊंगा और सुलाऊंगा, मैं उन्हें भरोसा दूंगा और कंफ्यूज भी रखूंगा, मैं ही सत्य भी बताऊंगा और मैं ही असत्य भी बताऊंगा। कहानी सुना के प्रताप भानु मेहता पूछते हैं किसकी छवि उभरती है। किसी भी ताकत का, चाहे वो चुनी हुई सरकार ही क्यों ना हो, खुद को सर्वे सर्वा समझना देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सुप्रीम लीडर होने के शौक और लोभ ने दुनिया को बहुत सारे तानाशाह दिए। अभी भी बहुत से लोग हैं, पार्टी समर्थक या ट्रोल कहें, जो कहेंगे कि कहां पे है तानाशाही, इतने आंकड़ों के सामने होते हुए भी कहेंगे कि तानाशाही दिखाओ ना। अरे तानाशाही लानी होती तो आते ही घोषणा नहीं कर देते कि आज से लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो उनको मेरा जवाब है, ये मेढक की कहानी, मेढक की कहानी सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 19वीं सदी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प प्रयोग हुआ। कहानी बताती है कि प्रयोगकर्ताओं ने देखा कि जब उन्होंने एक मेढक को उबलते पानी के कटोरे में डाला तो मेढक तुरंत उछल के बाहर आ गया, लेकिन जब उन्होंने मेढक को ठंडे पानी में रखा, पानी को गैस पर चढ़ा दिया और फिर पानी धीरे धीरे गर्म करने लगे, पानी क्योंकि धीरे धीरे गर्म हो रहा था, मेढक को पता ही नहीं चला कि पानी इतना गर्म हो चुका है। जब तक पता चलता तब तक मेढक मर चुका था। तापमान में बदलाव इतना धीरे धीरे होता है कि मेढक उबल कर मरने तक पहचान ही नहीं पाता कि उसे उबाला जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ आपकी क्या राय है आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या लोकतंत्र खतरे में है, आपकी जो भी राय है आप वो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, एक्सप्लेनर वीडियोस खासतौर से, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।